पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी पूरे जोश में नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रचंड बहुमत के लिए पीएम बनाने का संकल्प बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। दरअसल शनिवार को दो दिवसीय मंथन बैठक के समापन के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों व प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी का प्रदर्शन ऐसा शानदार हो कि विपक्ष चौंक जाए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम ऐसा हो कि विपक्ष चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। अपने संबोधन में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का जिक्र देखने को मिला, जहां 50% वोट हासिल करने के लक्ष्य के लिए राज्य संगठन की ओर से उन्होंने जमकर तारीफ की। शाह ने बाद में बैठक में अपने संबोधन के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा कि हमें अपने विचारधारा व बीजेपी सरकारों के ऐतिहासिक कार्यों को लेकर देश के हर घर में पहुंचना है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना है। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रह सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विहिप के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ने का प्रयास करेगी। इस दौरान यह विपक्ष का बेनकाब करने का प्रयास करेगी। मिशन 2024 के लिए 1 जनवरी से ही बीजेपी का बहुस्तरीय अभियान शुरू हो जाएगा जिसमें उसके सभी प्रमुख नेता जुटेंगे। खबरों की माने तो 2 दिनों तक चले बैठक के दौरान राम मंदिर पर एक अलग से सत्र हुआ। इस सत्र में राम मंदिर को लेकर पार्टी ने जो प्रयास किया उसकी चर्चा हुई, साथ ही इस समय सरकार क्या काम कर रही है इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।